हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपी टिप के आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की तरफ से जो है वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, टोटल 4500 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई हुई है, जो इंटर लेवल है। और दोस्तों, 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक तो जो है इसका फॉर्म फिलअप होना है। तो आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें। आसानी से आप उससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले जो है एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ssc.nic.in, इस वेबसाइट में आपको आना है। यहीं पे सामने जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो इस पर क्लिक करके और डाउनलोड करके जो है आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। सामने यहाँ पे आपको लॉगिन का पेज दिखेगा। अगर आप एसएससी में फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी भी आपने एसएससी का किया, एसएससी में जो है एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने कभी भी जो एसएससी में जो फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको जो यहाँ पे है वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जो यहाँ पे ओपन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करके ईमेल आईडी और या फिर मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है। तो यहाँ से जो है आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा, उसी पासवर्ड से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का दोस्तों मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखना है तो उस वीडियो को आपको देखना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो वो मैं लॉगिन करके मैं आगे प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप आईडी अपना ओपन करेंगे तो इस टाइप से जो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन स्टार्टेड 6 दिसंबर यहाँ देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन लास्ट डेट जो यहाँ पे 4 जनवरी 2023 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अप टू 11 बजे PM, 11 बजे रात तक। दोस्तों, इसमें फी की बात करें तो जनरल और जो ओबीसी का जो है 100 रुपया फी है मेल के लिए, और फीमेल और SC ST के लिए जो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पे चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। तो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आप अप्लाई का जो ऑप्शन देखेगा, ये अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन में जो सारा डिटेल लिया जाता है, वही डिटेल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फिलअप किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो मेट्रिकुलेशन का डिटेल वगैरह दिखेगा और प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपका यहाँ पे जो स्टार मार्क, रेड स्टार मार्क दिखेगा। रेड स्टार मार्क जितना भी आपको है वो सारा मैंडेटरी, वो सारा आपको फिलअप करना है। तो 15 नंबर में आपको सीधा आना है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है। तो जो भी आपका सेंटर हो, यहाँ पे पहला सेंटर आपको चूज करना है, उसके बाद सेकेंड सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना, यानी कि पहला अगर आपको नहीं मिला तो सेकेंड आप कहाँ लेना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद फिर एक थर्ड भी ऑप्शन है, वो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट यहाँ मांगा जाएगा, तो टाइपिंग टेस्ट आपका जो है कौन सा में आप देना जो है बेटर पसंद करेंगे, जो कौन सा आपको ज्यादा फास्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 बार डालना होता है, वेरीफाई भी करना होता है, तो वो आप यहाँ पे 2 बार सब दोनों सेम डाल देंगे तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो 12th है वो साइंस से पास है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। तो अगर आपका जो 12th पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है साइंस, तो आपको यस करना है। अगर नहीं है 12th मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा ब्लॉक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है 20 नंबर में, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे अपना जो है जो भी आपका ये डालेंगे, ये तीनों में से अगर आपको कोई है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद हाइएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, हाइएस्ट आप क्या है आपका, मतलब हाइएस्ट कभी कितने क्या किए हैं इंटर के बाद, ग्रेजुएशन पीजी यूजी जो भी हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर सेम यहीं पे उसको फिर से आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देना है। अगर आप इक्विवेलेंट्स किए हैं तो आपको निचला सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेटस सेलेक्ट करना है कि पास है या अपेयरिंग है, तो आपको पास हो पास डालेंगे, अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर पास है तो पासिंग ईयर आपको यहाँ डालना है, कौन से ईयर में जो है आपने इंटर पास किया था, कौन सा स्टेट से किया था वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट करना, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड था। उसके बाद
इंटर का यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देना है और परसेंटेज कितना लाया था या फिर सीजीपीए, ये दोनों में से एक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर पूछा जा रहा है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है या नहीं, जॉब वगैरह के लिए आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब वगैरह के लिए ऑफर मिलेगा तो आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है हमेशा के लिए, तो आपको हमें ये आगे फ्यूचर काम दे सकता है, इसलिए आपको यस ये यस ही रखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाना है फोटो सिग्नेचर में, यहाँ पे आपको जो है अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जहाँ आपका फोटो हो, वो फोटो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फोटो, या 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फोटो नहीं लेगा। उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज जो है 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे दोनों आप अपलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 6 सितंबर 2022, तो यहाँ पे आपको इसमें अगर फोटो में आपका जो है डेट डला हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। आप जो है फोटो में डेट वाला ही डालेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो वाला ही एसएससी में ज्यादातर डला जाता है, तो आप फोटो में जो है अपना डेट एक बिठा देंगे जो भी डेट हो करंट डेट, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना और यस पे क्लिक कर देना है। फोटो सही से अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में या एग्री पे जो बॉक्स है इसको आपको यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे जो कैप्चा दिखेगा वो कैप्चा यहाँ पे टाइप करके प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा फॉर्म है उसका प्रीव्यू दिखेगा, इसको आपको पूरा वेरीफाई करना है, कहीं पे अगर गलत है तो इसको आप यहीं से सुधार सकते हैं यहाँ पे एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके। अगर आपको सब सही लग रहा है, सारा चीज़ सही अपलोड हुआ है और फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे कंफर्म जो है सबमिशन के लिए मांगा जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो कोई भी एडिट वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड, मतलब एप्लीकेशन जो यहाँ पे रिसीव हो गया अभी वेरीफिकेशन इसका नहीं हुआ है, वेरीफिकेशन होगा, और यहाँ पे आपको ओके और प्रिंट का ऑप्शन देगा, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं अपना जो पीडीएफ। अगर आप जनरल ओबीसी मेल है तो यहाँ पे आपको एक जो है पेमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट यहीं से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पेमेंट इस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने एक फीमेल का यहाँ पे अप्लाई किया है, तो फीमेल का जो ये फ्री है तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा, एग्जेम्प्टेड यहाँ पे दिखता है। प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखा, जिससे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो पीडीएफ है फॉर्म का पीडीएफ वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप पीछे से कॉपी करके रख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर प्रिंट की सुविधा आपके पास हो तो प्रिंट इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये था प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एसएससी सीएसएल का जो है फॉर्म अप्लाई करने का। दोस्तों ये फॉर्म फिलअप जो है एसएससी का जो है लास्ट डेट का आप वेट ना करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट में जो है इसका वेब सर्वर जो बहुत ज्यादा ही डाउन हो जाता है और फॉर्म फिलअप जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, छूट जाते, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जब भी आपको टाइम मिले आप लास्ट डेट से पहले जो है फॉर्म फिलअप कर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।